नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग रंजना श्रीवास्तव जी द्वारा रचित माँ कविता की प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी कविता के व्याख्या को देखा था, उसे समझने का प्रयास किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो अवश्य देख लें, ताकि आप इस पाठ को भली भांति समझ पाए। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो देखिए, माँ किसका फूल बिखरा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, माँ किसका फूल बिखरा देती है। इसमें चार विकल्प हैं, पहला कमल का, दूसरा ममता का, तीसरा क्रूरता का और चौथा घृणा का। तो हम यूं ही जानते हैं कि माँ के हृदय में ममता की भावना भरी होती है, और इस कविता को पढ़ने पर भी हमें पता चलता है कि माँ जो है वो ममता का फूल बिखरा देती। यहाँ पर सही विकल्प ह है। दूसरे प्रश्न को यदि देखें तो रचनाकार ने किसे परिवार और समाज से ऊपर माना है, यानी कि कवि श्री रंजना श्रीवास्तव जी ने किसे समाज और परिवार से ऊंचा माना है, क्योंकि यह कविता जो है वो माँ पर आश्रित है। तो यहाँ पर तो आपको सीधे ही का उत्तर मिल जाता है कि रचनाकार जो हैं उन्होंने माँ को परिवार और समाज से ऊपर माना है। तो का सही उत्तर ह है। आइए अब इस पाठ के हम लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवित्री आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं। उत्तर देखते हैं, माँ हर परिवार की तमाम कष्टों को अपने भीतर ही आत्मसात कर लेती है, यानी अपने भीतर समा लेती है। अतः माँ की जो ये सहनशीलता है, इतने कष्टों को सह लेने की जो क्षमता है और ममता की जो भावना है, इसी पर कवित्री को आश्चर्यचकित होती है, इसी पर कवित्री को आश्चर्य होता है। दूसरा प्रश्न, परंपरावादी और बदरंग आदर्श से क्या समझते। यहाँ पर परंपरावादी का अर्थ है पुरानी रीतियों का पोषक, यानी पुरानी रीतियों को मानने वाला, और बदरंग का तात्पर्य है, बदरंग आदर्श का तात्पर्य है रंगहीन या बेमेल रंग के नमूने, ऐसा रंग जिसमें सारे जो रंग हैं वो बेमेल हैं, या फिर वे आदर्श जो रंगहीन हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किसकी, एक मिनट, प्रस्तुत कविता में किसकी दशा का चित्रण हुआ है। उत्तर, प्रस्तुत कविता में माँ की पीड़ामयी दशा का चित्रण हुआ है, माँ की सहनशीलता का चित्रण किया गया है, उसकी ममता का चित्रण किया गया है, परंतु मुख्य रूप से उनकी पीड़ामयी दशा का वर्णन हुआ है। माँ वंदनीय और अतुलनीय कैसे होती है। तो देखिए, माँ उदारता, ममता और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। प्रतिमूर्ति यानी जिसे हम कॉपी कहते हैं। माँ के अंदर जो होती है वो ममता होती है, सहनशीलता होती है, सभी यातनाओं को सहते हुए भी मौन बनी रहती है, इसीलिए माँ वंदनीय और पूजनीय। बोधमूलक प्रश्न देखिए, जिसमें कि पहला प्रश्न है, माँ परिवार की किन किन यातनाओं, यातनाओं का अर्थ क्या है, कष्ट, किन किन यातनाओं को सहती है, लिखिए। उत्तर देखिए, माँ पिता के डांट फटकार को, उनके क्रोध एवं अभिमान भरे फुफकार को, यानी अभिमान भरे व्यवहार को सहती है, सभी के द्वारा किए जाने वाले छल कपट पूर्ण आघातों को भी वो चुपचाप सहन कर ले। तीसरा प्रश्न, माँ के अंदर किन गुणों का भंडार है, यानी माँ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। उत्तर देखिए, माँ में अनगिनत गुणों का भंडार है, अनगिनत यानी जिसे हम गिन ना सके, इतनी ज्यादा गुणों के भंडार है वह। वह ममतामयी, वात्सल्यमयी, वात्सल्य यानी ममता का जो भाव होता है उसे ही हम वात्सल्यमयी कहते हैं, और उदारता से भरी, सभी का सुख चाहने वाली होती है, सभी के प्रति अपनत्व यानी अपनापन का भाव रखती है। तो ये माँ के अंदर पाए जाने वाले गुण हैं। इसके बाद का प्रश्न देखिए,
प्रस्तुत पाठ के द्वारा किन भारतीय समाज में स्त्रियों की किस दशा और दुर्दशा का वर्णन किया गया? उत्तर, भारतीय समाज में परंपरावादी और दकियानुषी परिवार में स्त्रियों के प्रति, यानी ऐसे परिवार जो पुरानी रीति रिवाजों को अभी भी मानते हैं, हालांकि वे रीति रिवाज आज के समाज के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें माने जा रहे हैं, और वे परिवार जो उन दकियानुषी परंपराओं को मानते हैं, उनके परिवारों में स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों के प्रति लोगों की जो भावना है वो घृणित है, हीन भावना उनके मन में भरी हुई है, वे स्त्रियों को अभी भी नीचे स्तर का समझते हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता नहीं देते, कहीं कहीं आज भी पर्दा प्रथा है और घर के बाहर कार्य करने को अनुमति नहीं होती, उन्हें घर के भीतर ही उनके कार्य क्षेत्र को माना जाता है। तो यहाँ पर स्त्रियों की दशा और दुर्दशा का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यदि घ नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें कहा गया निम्नलिखित। निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है? निम्न का अर्थ होता है नीचे और लिखित का अर्थ हुआ है लिखा हुआ, यानी जो नीचे लिखी हुई पंक्तियां हैं, यानी कि ये पंक्तियां, इनके भाव को स्पष्ट कर। तो पंक्तियां क्या है देखिए, पहला, वंदनीय हो तुम अतुलनीय भी, सबसे बिल्कुल अलग फिर भी सब में समाहित। ये पंक्ति है और इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए, सबसे पहले माँ को बताया गया है कि माँ जो है वो अनंत गुणों का भंडार है, परिवार की तमाम यातनाओं को, कष्टों को सहते हुए भी अपनी उदारता और उच्चशयता को नहीं छोड़ती, इसी कारण जो माँ है वो वंदना करने योग्य है, पूजनीय है। और सबसे बिल्कुल अलग रहते हुए, समाज और परिवार से बिल्कुल अलग रहते हुए भी सबके अपने भीतर समाहित की हुई होती है, माँ इसलिए भी वंदनीय मानी जाती। यदि हम दूसरी व्याख्या को देखें तो देखिए इसमें कहा गया है, लिज लिजे परंपरावादी बदरंग आदर्शों को, पीढ़ियों से घिसी पिटी अपमानजनक बातों को। इन पंक्तियां हैं और उस पंक्तियों के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? उत्तर बहुत सीधा और सरल है कि इन पंक्तियों के रचनाकार रंजना, यहाँ पर होगा रंजना श्रीवास्तव है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये जो रेखांकित पंक्तियां हैं, यानी ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त युगों से चली आ रही रूढ़ियों की ओर संकेत किया गया। समाज में बेढंगी, अशोभनीय और जो पुरानी रीतियां, बेमेल, अनुपयुक्त, जो अब आज के समाज के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, वे आदर्श बने हुए हैं, उनका वर्णन किया गया है। और यदि इन्हीं पंक्तियों से संबंधित हम तीसरे प्रश्न को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करें, भावार्थ यानी व्याख्या करें, इनके अर्थों को बताएं। देखिए, इन पंक्तियों में ममता भरी माँ की अद्भुत सहनशील, सारे कष्टों को वो सहती है, उसकी क्षमताशीलता का वर्णन किया गया। वह किस प्रकार सारे जो छल कपट पूर्ण व्यवहार हैं, पिता और की जो डांट फटकार है या अभिमान है, उन सारे व्यवहारों को सह लेती है। माँ और परिवार में जो सास ससुर हैं या भाई भतीजे हैं, वे भी उनके विपरीत व्यवहार करते हैं, अपमानजनक बातें सुनाते हैं, उन सबको सुनकर भी वह मौन बनी रहती है। उसकी ममता का आंचल जो है अभी भी सबको कोमल छाया प्रदान करता है, इसी कारण माँ क्या है, वंदनीय है। यदि अब हम भाषा बोध के प्रश्न को तो देखें तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि इस कविता में कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का हिंदी रूप लिखिए, यानी कुछ उर्दू के शब्द हैं उनका हिंदी रूप लिखना है। तो सबसे पहले है बदरंग। बदरंग का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, रंगहीन, जज्ब यानी शोक, हम कहते हैं शोक लेना, ठीक है, जज्ब कर लेना यानी शोक लेना। दामन का अर्थ है आंचल और रुख का अर्थ है दिशा। आगे देखते हैं, आज का ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें वाक्य का प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है ममता, क्या लिख सकते हैं, माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है, या फिर माँ ममता
के फूल बिखेर देती है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको बिखेर देती है। अभिमान, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रतिमूर्ति की बात करें तो माँ ममता एवं सेवा की प्रतिमूर्ति होती है। क्या हम लिख सकते हैं? माँ ममता एवं सेवा की, यहाँ लिखती हूँ, प्रतिमूर्ति होती है, वंदनीय। माँ वंदनीय होती है, अतुलनीय। भारतीयों का साहस अतुलनीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। फूल का तो आप सभी जानते हैं, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। पुष्प सुमन कुसुम, अनेकों बार कर चुके हैं, बहुत बार पाठ में आया है ये। इसके अलावा पिता, अगर पिता की बात करें तो पिता में जनक, साथ, बाप। माँ में एक जनक का उल्टा कर दीजिए, जननी, माता, अम्बा या अम्ब, भाई का, भ्राता, सहोदर, बंधु भी होता है। बंधु भी हम लोग कई बार भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पीड़ा की अगर हम बात करें तो दर्द, कष्ट, व्यथा। के बाद में लिखा गया है अप प्रति अभद उपसर्ग तथा वादी ता नीय इन प्रत्ययों से नीय तक, ठीक है, ये इन नहीं, इन प्रत्ययों से तीन तीन शब्द बनाएंगे। यानी कि हमें इनसे उपसर्ग बनाना है, उपसर्ग बनाना है अप से, प्रति से, इसके अलावा अ से और पद से। हमें इन शब्दों से उपसर्ग बनाना है। ठीक है, आइए उपसर्ग बनाते हैं। अप से आप बना सकते हैं, तीन तीन शब्द बनाने हैं, अपमान, अपयश, अपकार। इसके अलावा यदि हम प्रति की बात करें तो प्रतिकार, प्रतिदान। आपको उपसर्ग पता है ना बच्चों? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो इसमें ये जो प्रति है ये उपसर्ग है। ठीक है, अगर हम ये देखिए, प्रति है, प्रति उपसर्ग है और रोध मूल शब्द है, प्रतिरोध। इसी तरीके से अ की बात करें तो देखिए, धर्म हमारा मूल शब्द है। अब इसके अंदर हमने अ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? अधर्म। इसी तरीके से ज्ञान हमारा मूल शब्द है, इसके अंदर हमने अ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? अज्ञान। इसी तरीके से अकाल, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, बद से बदनाम।
बदमाश, बदबू, ठीक है, ये हमने उपसर्ग बना दिया। अब कह रहा है प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग जिस तरह आगे लगता है प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, तो हमें प्रत्यय किन किन शब्दों का बनाना है, वादी, ता, निय, ई और इनका, इनका हमें क्या करना है, प्रत्यय बनाना है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो देखिए वादी से आशावादी, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी और साम्यवादी। ता की अगर हम बात करें तो लघु हमारा मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा तो बना लघुता, सुंदर हमारा मूल शब्द है, ता लगा तो बना सुंदरता, प्रभु हमारा मूल शब्द है, ता लगा तो बना प्रभुता। इसी तरीके से निय से अभी नंद, अभिनंदनीय, अभिनंदनीय, गोपनीय, कथ, और यदि हम ई और इन प्रत्यय की बात करें, यानी ई से हमें तीन शब्द और इन से तीन प्रत्यय, ठीक है। तो ई से अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोभी, के अलावा साहसी, योगी, और इन प्रत्यय की बात करें, इनकी बात करें तो नातिन, मालकिन और पड़ोसन। हमने ये बना दिया प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को कर लिया है, जो वस्तुनिष्ठ है उसे भी कर लिया, बोधमूलक भी कर लिया, एवं व्याख्या के कुछ प्रश्न थे उसे, एवं साथ ही साथ भाषा बोध के जो भी भाग थे उसे हमने कर लिया। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखें, पहले व्याख्या वाली वीडियो देखें, फिर यह प्रश्न उत्तर वाली वीडियो देखें, तो इस कविता को आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ